यूनिट 4 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग का ये आपका टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरह से डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के बीच में है। जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन और फ्लोरीन, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। ऐसे तीन ही एलिमेंट हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और इनके साइज भी बहुत छोटे हैं, स्मॉल एटॉमिक साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो जब भी ये एलिमेंट बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ तो क्या होगा, इनके अंदर पोलैरिटी हाईएस्ट आएगी। तो फ्लोरीन के साथ पोलैरिटी सबसे ज्यादा है और उससे कम ऑक्सीजन और उससे कम नाइट्रोजन के साथ है। तो HF मॉलिक्यूल दूसरे HF मॉलिक्यूल के साथ बहुत स्ट्रांगली अटैच होगा, एक तरह से डाइपोल डाइपोल फोर्सेज ही है, लेकिन सबसे स्ट्रांग डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हैं, इसलिए इसका स्पेशल नाम दिया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बाकी पोलैरिटी के मॉलिक्यूल सब है, ये भी पोलैरिटी है, लेकिन अगर इनके साथ पोलैरिटी है हाइड्रोजन के साथ तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा और इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो HF मॉलिक्यूल्स हैव हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दीज आर कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर मॉलिक्यूल ऑल्सो हैव हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, दीज मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टूगेदर स्ट्रांगली, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस बॉन्ड, देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज कंपाउंड्स बिकम हाई। सी वाटर H2O, H2S, H2SE, H2TE, दीज आर हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ऊपर से नीचे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं, तो सबसे कम किसका होना चाहिए, वाटर, उससे ज्यादा उससे ज्यादा उससे ज्यादा, लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है और उसके बाद फिर यहां से इंक्रीज होने शुरू होते हैं। तो क्यों है, कि वाटर मॉलिक्यूल्स आर जॉइंट टूगेदर बाय स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, और H2S, H2SE में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो एच के साथ केवल इन तीन एलिमेंट का ही बन सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि H2O इज लिक्विड व्हाइल H2S एंड अदर्स आर गैसेस, व्हाई? तो आपका आंसर क्या होगा, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स आर जॉइंट टूगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन द सेम वे दीज आर हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली हाइड्रोजन के साथ क्या बनाते हैं, HF, HCl, HBr, HI। अगर आप ऊपर से नीचे जाएं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने चाहिए, बट HF हैज वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड एग्जिस्ट एज लिक्विड। जैसे वाटर भी लिक्विड है, बाकी सब गैस हैं, HF लिक्विड है, बाकी सारे गैसेज हैं रूम टेम्परेचर पर। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट किसकी वजह से हाई हुआ, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स आपस में जॉइंट हैं, इनको अलग करने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो HF एग्जिस्ट एज लिक्विड एंड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अदर हाइड्राइड्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑफ टू टाइप। आप ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें, ये कंपाउंड है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसी मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और उसी मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ है, यानी दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड टेक्स प्लेस बिटवीन विद इन द मॉलिक्यूल। अब आप इसमें देखें, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर इसका दूसरे मॉलिक्यूल के साथ है, उससे अलग है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से हैं, इंटर मॉलिक्यूलर, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तब उनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। तो ये कॉन्सिक्वेंस है कि व्हेन इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड देयर इज नो इफेक्ट व्हेन इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस।